ओ भाई, मैं हूँ पाड़ा एन एफ एफ एंड स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो 1P एडवांस पर होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करो एंड वीडियो को एंड तक देखो भाई। तो भाई, 1P ठोकने के लिए ना सेटिंग, कस्टम एचयूडी, ये सभी मैटर करती है। अगर तुम्हारा डिफॉल्ट सेटिंग है या फिर तुम्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं कस्टम एचयूडी पर, तो आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो बना रखी मैंने से बहुत Collision बढ़िया सी, wins. सबसे पहले इसे देख लो ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। तो भाई, ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर अपना ट्यूटोरियल होगा 1P एडवांस के ऊपर, बढ़िया सा वॉइस ओवर के साथ। सेकंड पार्ट है, उसके अंदर अपना हैंड कैम होगा 1P एडवांस के ऊपर, ताकि तुम्हें ऐड हो जाए कैसे क्या करना है। एंड जो थर्ड पार्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा बढ़िया लगता है, जो कि सबसे अलग होता है हटके सबसे, उसके अंदर मैं मेरी एडवाइस दूंगा इस ट्यूटोरियल के ऊपर, 1P एडवांस के ऊपर, कि कैसे तुम्हें ये ट्रिक जल्दी से सीखना है और कैसे इसको मास्टर करना है। तो भाई, इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं तुम्हें सिर्फ स्टेप्स बताने वाला हूँ कि कौन से बटन कब कैसे दबाने तुम्हें। एंड गजब की बात ये है कि इसके अंदर सिर्फ 3 ही स्टेप है भाई 1P एडवांस के लिए। तो भाई, 1P एडवांस के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है तुम्हारे जॉयस्टिक। जॉयस्टिक को आगे की डायरेक्शन में खींच के रखना है, जैसे मैंने स्क्रीन पे शो कर दिया है। तो भाई, फर्स्ट स्टेप तुम्हें क्लियर हो गया है, वो है जॉयस्टिक को आगे की डायरेक्शन में खींच के रखना। सेकेंड स्टेप है, वो है तुम्हें फायर बटन का यूज करना है, कि तुम्हें बस नॉर्मल फायर करना है और कुछ नहीं। तो भाई, जॉयस्टिक एंड फायर बटन के बाद में जो थर्ड स्टेप आता है वो है ग्ली वॉल पे क्लिक करना। तो भाई, एक बार वापस से क्लियर कर देता हूँ, ये 3 स्टेप स्क्रीन पे दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले तुम्हें जॉयस्टिक को आगे की ओर ड्रैग करना है, सिर्फ आगे की डायरेक्शन में, ठीक है? ये नोटिस करना, आगे की, लेफ्ट राइट मत करना, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग करना है। उसके बाद तुम्हें फायर बटन फायर करना है, फिर उसके बाद तुम्हें ग्ली वॉल पे क्लिक करना है। बस यही 3 स्टेप है और तुम्हारा 1P एडवांस आ जाएगा। अब मैटर करता है तुम्हारा टाइमिंग और कितनी स्पीड से करते हो तुम। सिर्फ स्पीड ही मैटर नहीं करेगी, उसके साथ तुम्हारी टाइमिंग भी होनी चाहिए। अगर टाइमिंग खराब हुई तो नहीं होएगा, अगर स्पीड खराब हुई तो भी नहीं होगा, दोनों जरूरी है उसमें। तो भाई, ये मेरा हैंड कैम है, इसको तुम ध्यान से देख लो। एंड इसमें बहुत बार तो मेरा 1P नहीं दिख रहा होगा हैंड कैम के अंदर, क्योंकि वो 1P इतना तेज होता है ना, तो ऐसे स्क्रीन में दिखता नहीं है। उसको स्लो करके देखो कि तो ही दिखता है। एंड मेरी एडवाइस यही है कि तुम इसको, मेरी वीडियो को स्लो करके देखो कि मैं कौन सा बटन कब कैसे क्लिक कर रहा हूँ, ताकि तुम्हारे समझ में आ जाएगी, तुम्हें भी अपनी फिंगर से कैसे क्या काम करना है, एंड तुम्हें अच्छे से पता लगे कि कैसे तुम्हारा 1P लगेगा। तो इस हैंड कैम का यही मकसद था कि ताकि तुम्हारे अच्छे से समझ में आ जाएगी कैसे अंगुलियों पर काम करना है। बस इसको अच्छे से ध्यान से नोटिस करो मैं कैसे खेल रहा हूँ, एंड तुम्हें भी ऐसे आ जाएगा भाई धीरे धीरे। थोड़ा टाइम लगेगा बट तुम्हारे को भी आ जाएगा 1P एडवांस। इतना मुश्किल नहीं जितना लग रहा है, इजी है, सिंपल है। और इसके बाद मेरी जो एडवाइस ली है मैंने, वो अच्छे से सुनना तुम और उस पर काम करना, तो तुम्हारे 1P आ जाएगा। भाई, यहाँ तक वीडियो देख रही तो बहुत बहुत थैंक यू। एंड मैं कहना चाहूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आने वाली वीडियोज ऐसी लाऊंगा जिसमें मैं बेसिक से लेके पूरे एडवांस लेवल तक तुम्हें फ्री स्टाइल सिखाऊंगा। एंड मैं गारंटी देता हूँ, तुम मेरे चैनल से कनेक्टेड रहोगे, तुम एक बहुत अच्छे लेवल पर फ्री स्टाइल सीख जाओगे। एंड कमेंट करके बता दो कि तुम्हें जो जो सीख रहा हूँ मैं, उस पर वीडियोज लाने वाला हूँ। एंड ऐसे ऐसे ट्यूटोरियल्स लाऊंगा जिस पे कोई वीडियो बनाता नहीं इंडियन सर्वर में, तो बढ़िया एडिटिंग के साथ, एकदम बढ़िया वॉइस ओवर के साथ, जितना बेटर वे में मैं समझा सकता हूँ उतने बेटर वे में समझाऊंगा। एंड कोई दिक्कत आए तो उस पर वापस वीडियो लाऊंगा। तो इसलिए ऐसे कंटेंट को अप्रिशिएट करने के लिए तुम मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड लाइक करके शेयर भी कर सकते हो, एंड कमेंट में कुछ अप्रिशिएशन वाला कमेंट भी कर सकते हो, ताकि मेरे को पढ़ के थोड़ा अच्छा लगे। तो भाई, पहला स्टेप बताया मैंने कि जॉयस्टिक को आगे की डायरेक्शन में ड्रैग करके रखना है। सेकेंड स्टेप है कि फायर बटन से फायर करना है। थर्ड स्टेप है ग्लू वॉल पे क्लिक करना है तुम्हें। तो दो मेजर चीज़ें जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, पहली चीज़ है कि जो तुम पहला स्टेप करोगे जॉयस्टिक को आगे के डायरेक्शन में ड्रैग करना, उसको एंड तक करके रखना है पूरे प्रोसेस में, मतलब उसको बीच रास्ते में छोड़ना नहीं। जब तुम ग्लू वॉल पे क्लिक करोगे, लास्ट स्टेप है, तब भी तुम्हें आगे के डायरेक्शन में उसको ड्रैग करके रखना ही है। एंड जो सेकेंड मेजर चीज़ है वो है कि जब तुम फायर बटन से फायर करोगे एंड तुम ऊपर, नीचे से ऊपर तक फायर करते हो, तो जब तुम्हारा स्क्रीन जैसे ऊपर जाएगा ना, मतलब आसमान दिख जाएगा, तभी तुम्हें ग्लोर पे क्लिक कर देना है, तभी तुम्हारा अपने आप 1P एडवांस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस 3 ही स्टेप है बेसिक से। अगर इसको ध्यान में रख लोगे तुम, तो तुम्हारा अपने आप आराम से हो जाएगा 1P एडवांस। तो भाई, यहाँ तक वीडियो देख ली तो बहुत बहुत थैंक यू। एंड अगर तुम्हें सही से समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को वापस से देख लो, या फिर अच्छे से पोज पोज करके देख लो, और जो मेरा हैंड कैम है उसमें स्लो करके देख लो उसको, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो। एंड
तो मैं चाहता तो बाकी यूट्यूबर की तरह बकवास करके इस वीडियो को 15 मिनट का भी बना सकता था, 20 मिनट का भी, बट मैंने सिर्फ छोटी एंड हेल्पफुल वीडियो बनाई है। तो अगर और कोई ऐसी वीडियो चाहिए, ट्यूटोरियल चाहिए, तो कमेंट करके बता दो, मैं वैसी ला दूंगा। एंड ये मेरा इंस्टा पेज है स्क्रीन पर, इस पर मेरे को फॉलो कर लो, एंड कोई दिक्कत हो तो DM VM कर देना, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।